हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर हिना जावर। वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, हम लोग डायरेक्ट 8 दिसंबर को आपका जो एग्जाम हुआ है, हम डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम सेंटर भी जा रहे हैं, ठीक है, जहां पर हमें बच्चों का डायरेक्ट फर्स्ट हैंड लाइव एनालिसिस मिल रहा है, उनका फीडबैक मिल रहा है बच्चों का। तो होता क्या है, जब आप बच्चों से डायरेक्ट खुद मिलके बात करते हैं तो आपको काफी हद तक आइडिया लग जाता है एग्जैक्टली पेपर के, क्योंकि आपको वहां पे काफी बड़ी ऑडियंस मिलती है किसी भी एग्जाम हॉल में। तो इसी पे हम बेस्ड आज ये सेशन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि क्या एनटीए ने इस बार एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज करा है। सो द वन बिग थिंग इज, बिग क्वेश्चन इज कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिप्लाई दूं, जो कि मैं जज कर पाई हूं मेजोरिटी के रिव्यू से, कि जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो काफी हद तक सेम चल रहा है, यानी जैसे पिछले सालों में था वो वैसा ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम है, बहुत कुछ बदला भी है। तो अगर आप एक ब्रॉड पैटर्न की बात करेंगे ना, वो तो कहीं ना कहीं सेम ही है। ब्रॉड पैटर्न मतलब पेपर वन में क्वेश्चंस है, पेपर टू में है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जैसे 2020 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक नया झटका था, इस तरह से अभी अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कोई बड़ा चेंज नहीं आया। वो चेंज तो आपका जून में एक्सपेक्टेड है, बट हाँ पेपर में बहुत कुछ बदल चुका है। तो अगर हम पेपर वन, यहाँ पर हम पेपर वन और पेपर टू दोनों की बात करने वाले हैं, हम पेपर वन और पेपर टू में जो ब्रॉड चेंज नहीं है, लेकिन जो छोटे चेंज है, जो आपके मार्क्स को बदल रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। तो पहला है, चाहे आप पेपर वन की बात करें चाहे आपका पेपर टू, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब पहले से ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अब उतना इजी टू कॉम्प्रिहेंड नहीं है जितना कि आपका पहले हुआ करता था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये आ रहा है कि बच्चों को वोकैबुलरी में काफी ज्यादा मतलब डिफिकल्टी आ रही है। क्या लिखा है कॉम्प्रिहेंशन, सवाल पूछ क्या रहा है, आंसर क्या देना है, और पैसेज में कुछ वर्ड ऐसे जो बच्चों को नहीं समझ आ रहे। तो जहां इसको द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट कहा जाता था, अब ये डिफिकल्ट टू स्कोर होता जा रहा है। तो अगर आप कॉमर्स के बच्चों से पूछे, एजुकेशन के बच्चों से पूछे, वहीं आप पेपर वन के अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट, जो लैंग्वेजेस के पेपर हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए, आपको पता लगेगा कि हर एक बच्चा बाहर आके कह रहा है कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ना कहीं हम अटक रहे हैं। पेपर वन में तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। पेपर टू में क्या रहता है, पेपर टू का कहीं ना कहीं वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, तो वो बच्चों को एक प्रॉब्लम नहीं आती वहां पे, जब स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है। दूसरी बड़ी चीज जो यहां से निकल के आई है, मान लीजिए अगर आपका पेपर एडुकेशन है, तो आपका जो पैसेज है वो कहीं ना कहीं टीचिंग से रिलेटेड कुछ कुछ रहेगा, ठीक है। अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो रिलेटेड है, मान लीजिए पॉल साइंस है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रिहेंशन में आपको पॉलिटिक्स का एंगल दिखेगा, पॉल साइंस से रिलेटेड रहेगा। अगर सोशियोलॉजी है तो कहीं ना कहीं वो समाज से जरूर रिलेटेड आएगा, जो पेपर वन के पैसेज भी आ रहे हैं, वो उसको रिलेट कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पैसेज के साथ, क्लियर। तो ये याद रखिएगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं मिल रहा है पेपर वन में। पेपर टू में तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, पेपर वन में वो कहीं ना कहीं उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं आप पर, आपके पेपर नंबर टू के सब्जेक्ट के साथ, क्लियर। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा आपको पैसेज को जल्दी मार्क करना चाहते हो, सही मार्क करना चाहते हो, तो आपको अपनी शब्दावली, अपनी वोकैबुलरी जो है वो पहले से ज्यादा इनहेंस करनी पड़ेगी। दूसरी बड़ी चीज है, मोर फैक्ट बेस्ड एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी एमसीक्यूज आते हैं, आपके पास चार ऑप्शंस होती हैं। इसको मुश्किल बनाने के लिए अब एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा आने लग गए, और ये सिर्फ इस साल नहीं हुआ। अगर आप पिछले साल से भी जोड़ेंगे तो पिछले साल भी आपने नोटिस किया होगा कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस पहले से ज्यादा होते जा रहे हैं। तो जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, या फिर आपको बताना होता है 1 2 3 4 में से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस तरह के फैक्चुअल और स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो है वो पहले से इंक्रीज हो रहे हैं। यानी डायरेक्ट गए, क्वेश्चन पढ़ा, चार ऑप्शंस में से मार्क कर दिया, उस तरह के क्वेश्चंस को वो कम करके एसर्शन रीजन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो अब ज्यादा लाने लगे। तो ये एक और बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि बच्चा एसर्शन रीजन समझ जाता है, बट ये नहीं समझ पाता कि वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है
या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, आपको ये तो समझ आ जाता है ए भी सही है आर भी सही है, बट ये नहीं समझ आता ए आर का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और यहीं पर 2 मार्क्स हमारे चले जाते हैं। तो इसके लिए अगेन आपकी इन डेप्थ क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। थर्ड इज क्रोनोलॉजी एंड बुक्स ऑथर। तो इस बार जो नया देखा गया था वो ये था कि बुक्स और ऑथर्स के क्वेश्चंस ज्यादा थे। क्रोनोलॉजी के लास्ट ईयर से देखा जाए तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्रोनोलॉजी बेस्ड आ रहा है, लेकिन बुक्स एंड ऑथर्स पर इस बार जो क्वेश्चन आया वो अगेन एक नया झटका है, यानी वो एक्सपेक्टेड नहीं था, वो ऑन एंड ऑफ चलता है। कभी बुक्स एंड ऑथर पे बहुत बार क्वेश्चन आएगा, कभी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये एक अगेन, अब हम ये तो नहीं कह सकते हम इसको निग्लेक्ट ही करते क्योंकि इस बार आया अगली बार नहीं आएगा। हर साल बुक ऑथर और कोर्ट से क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार उन्होंने उसको प्रॉपर ब्रॉड क्वेश्चंस 2-3 क्वेश्चंस उससे रिलेट कर दिए थे। तो ये एक अलग चीज उन्होंने एनटीए ने फिर से किया है पेपर को थोड़ा सा नया एंगल देने के लिए। सो ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, पहली चीज पैसेज पर फोकस ज्यादा करना है, ठीक है, खास तौर पे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो अब उन यूनिट से पैसेज आने की पूरी पूरी उम्मीद है जो अभी तक रिपीट नहीं हुए, ठीक है। तो जो आपके पेंडिंग यूनिट्स चल रहे हैं जिसमें से अभी तक पैसेज नहीं है, उसमें से पैसेज आने की सबसे ज्यादा उम्मीद है, ठीक है। और पैसेज को सॉल्व करते टाइम आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों से रिलेट हो सकता है, यानी इस बार का पैसेज हायर एजुकेशन से रिलेटेड था, वो भी विमेन एजुकेशन कमेटी से, जो कि आपका पेपर 1 में भी कवर हो रहा है और पेपर नंबर 2 में भी कवर हो रहा है, यानी उन्होंने कॉमन पैसेज देने की आपको कोशिश की थी जो अगली बार भी हो सकती है। तीसरी चीज, बच्चे अगर स्टैटिस्टिक्स को लेके परेशान होते हैं तो इस बार न्यूमेरिकल्स नहीं थे, वही 2021 में आपके पास न्यूमेरिकल से 5 क्वेश्चन थे, बट इस बार आपके पास स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं थे। यानी आप ओवरऑल जज क्या कर सकते हो, जजमेंट यही है, पहली चीज ऑल यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट, ऑल यूनिट्स आर इम्पोर्टेंट। एंड याद रखिए जून में हो रहा है आपका सिलेबस चेंज, और अगर सिलेबस चेंज होगा तो यानी कि आपको वैसे ही सारे यूनिट्स पर 100% फोकस देना है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी, प्लीज वर्क अपॉन पैसेज, अपनी वोकैबुलरी को पहले से ज्यादा इंक्रीज करो, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो ताकि कोई नया वर्ड्स आ जाए तो आपको उसका एटलीस्ट मीनिंग पता हो, आपको उसका अर्थ पता हो। क्लियर? तो चलिए इतना याद रखिए, हर बार एनटीए की कोशिश रहती है कुछ नया करना, और जून में उनकी कोशिश वैसे ही सफल होगी क्योंकि उनके पास होगा पूरा न्यू सिलेबस, इससे पहले कि वो दिसंबर 2024 में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग ले आए, उससे पहले कोशिश कीजिए कि आप जून में ही अपना जीआरएफ क्रैक कर ले। और इसी रीजन से हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पूरा फाउंडेशनल कोर्स, जहां पे आपको कंप्लीट लाइव क्लासेस मिलेंगी, यानी आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है वो आपका कवर किया जाएगा लाइव क्लासेस के जरिए, नो रिकॉर्डिंग्स, नो रिकॉर्डिंग। तो आपको पूरा का पूरा कोर्स लाइव क्लासेस के जरिए कवर किया जाएगा, लेटेस्ट पैटर्न, रिवाइज सिलेबस, और इसके अंदर आपका न्यू सिलेबस भी इंक्लूडेड होगा, बोथ फॉर पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2। एंड अच्छी चीज ये है कि इसके अंदर आने वाले समय में पेपर से पहले जब बूस्टर कोर्स लॉन्च होगा वो भी इंक्लूडेड रहेगा। तो भूलिएगा मत हमारे साथ जुड़ना, आज ही बैच स्टार्ट हो रहा है 15th ऑफ दिसंबर से, तो जुड़ना मत भूलिए चेसबुक सुपर कोचिंग पे। जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।